चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है खारी बिस्किट। तो ये खारी बिस्किट मैंने जीरे के फ्लेवर में बनाया है, यानी जीरा खारी बिस्किट है। ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। आप इसका टेक्सचर देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बना है। होम मेड ये खारे बिस्किट है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, आप देख रहे हैं इसके सारे किस तरह से एक एक लेयर हम तोड़ते हैं तो इस तरह से अलग हो जाता है और बहुत ही क्रंची है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन को ऑन कर लीजिए और फिर ये बगल में जो बेल का आइकन होता है इसे क्लिक कर दीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है, कोई भी नया वीडियो डालते हैं तो आपको उसका अपडेट मिल जाता है। तो ये देखिए, इंग्रेडिएंट्स में हमने यहाँ पे बाउल से मेज़र किया है। तो यहाँ पे हम एक बाउल मैदा ले रहे हैं। तो ये देखिए, हमने एक बाउल मैदा लिया है। एक बाउल के बराबर हम बनाएंगे इसके डो को। तो एक बाउल मैदा ले, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखिए 1/4 स्पून से थोड़ा कम हमने बेकिंग सोडा डाला है और 1/2 स्पून से थोड़ा कम हमने बेकिंग पाउडर डाला है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर यहाँ पे हम 3 चम्मच, यानी छोटा चम्मच जो होता है ना उसी से हम 3 चम्मच यूज़ कर रहे हैं। हमने सब देखिए इसी तरह से स्टील का चम्मच जो घर में खाने वाला आता है उसी से मेज़र किया है। आप भी इसी से मेज़र करिएगा, बहुत ईजी होता है इस तरह से नापना जिस तरह से हम बता रहे हैं। 3 चम्मच इस तरह से कॉर्नफ्लावर डाल लीजिए और 1/4 स्पून से थोड़ा कम बेकिंग सोडा और 1/2 स्पून से थोड़ा कम बेकिंग पाउडर। अब ये देखिए, हम यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया। तो हम सॉल्ट भी देखिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत हल्का से इसमें ऐड करिएगा। इस बिस्किट में हल्का नमकीन ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए, हम 1 चम्मच शुगर पाउडर ऐड किए हैं। यानी शुगर पाउडर इसलिए ऐड किया मीठा करने के लिए, जिससे ये जो सॉल्टी बिस्किट बना रहे हैं ना इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाए, इसलिए शुगर पाउडर हम इसमें ऐड करते हैं। तो इसको सब डाल के देखिए, ड्राई इंग्रीडियंट्स जो हमने डाला है इन सबको छान दिया अच्छे से। तो छान दीजिए, इस मोटे पार्ट को बिल्कुल अलग कर दीजिए। अब इसको अलग करके देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको मोयन लगाना है। तो मोयन हम लगाएंगे रिफाइंड ऑयल से, यहाँ पे रिफाइंड ऑयल से मोयन लगाना है। तो देखिए रिफाइंड ऑयल लिया है, देखिए इसी चम्मच से, स्टील के चम्मच से हम सब मेज़रमेंट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, हम इस तरह से यहाँ पे 2 चम्मच डाल दिया, 1 चम्मच और ऐड कर दें, 3 चम्मच, यानी छोटे चम्मच से देखिए हम पूरा 4 चम्मच डाले हैं इसमें तेल, यानी रिफाइंड ऑयल। अब जो भी तेल खाते हैं रिफाइंड ऑयल में, आप उसे यूज़ कर लीजिए। अब ये डाल रहे हैं जीरा, ये जो जीरा है साबुत जीरा, इसको इस तरह से हमने 1/2 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लेके इस तरह से क्रश करके हाथों से रगड़ के डाल देंगे। अब इसको हम करेंगे मोयन, यानी हम इसको जो हम कहते हैं खस्ता करना, वो मोयन करते हैं। तो इस तरह से हाथों से अच्छे से देखिए इस तरह से रगड़ रगड़ के हम मोयन करेंगे। तो हम जब इसको बाइंड करते हैं ना, देखिए इस तरह से बाइंड होने लगता है, तब तक हम इसे मोयन करते हैं। तो ये बाइंड होने लगा है। अब चलिए हम इसका बनाते हैं डो। तो डो देखिए, हम पानी की जगह पे दूध लिए हैं, दूध से इसका डो लगाएंगे तो इसका कलर जो होता है ना, जैसे हम ओवन में बेक करते हैं बिल्कुल वैसे कलर इसका बन के आता है। तो दूध से हम इसका डो लगा रहे हैं, देखिए इसका टेस्ट भी इससे अच्छा आता है। तो थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम डो लगाएंगे। तो ये बहुत ना तो गीला बनाना है ना ही हमें इसे बहुत हार्ड बनाना है, मीडियम की कंसिस्टेंसी रखनी है, ऐसा डो बने कि एकदम मीडियम वाला हमारा ये आटे का डो बने। तो देखिए इस तरह से आटे का डो हमारा हो गया तैयार। आप देखिए इसमें थोड़ा सा दूध बच गया है, ये हम दूध आपको दिखाएंगे आगे कहाँ हमें यूज़ करना है। तो अब इस तरह से इसको देखिए, थोड़ा सा ऊपर से तेल लगा के इस तरह से आप इसको तो ढक के इसे रख दीजिए कम से कम 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट इसको रख देते हैं, तब तक चलिए हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। तो हम बना रहे हैं खारी बिस्किट, तो इसमें हम बीच में तो इस तरह से बटर और जो मिक्सचर बनाएंगे इसको तो लगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मिक्सचर हम किस तरह से तैयार कर रहे हैं। तो आपने देखा ये 1/2 ब्रिक हमने बटर का ले लिया है। अगर आप स्पून से यूज़ नापेंगे तो ये आपका 3 स्पून यानी 3 स्पून बटर आएगा। और इसमें हम कॉर्नफ्लावर भी डाल देंगे। देखिए इस तरह से कॉर्नफ्लावर और बटर का जो मिक्सचर बनाते हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया मिक्सचर बनता है। इसी से हमारे लेयर बनते हैं खारी बिस्किट के। तो ये देखिए 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया और स्पून से अगर आप नापेंगे तो बटर 3 स्पून आएगा। तो 3 स्पून बटर और 2 स्पून कॉर्नफ्लावर इसको डाल के, इसी के साथ हम यहाँ पे देखिए 2 चम्मच ये रिफाइंड ऑयल भी डाल दे रहे हैं।
इसे बड़ा ही फ्लफी एक क्रीम बन के तैयार होता है। देखिए इस तरह से बना देंगे, फटाफट इस तरह से चलाते जाइए स्पून से या स्पैचुला से, तो चलाने में इस तरह से ये जो इस तरह का स्पैचुला होता है इससे आप बहुत ही जल्दी ये बन जाता है, बीटर मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना ईजी बनता है इससे ये क्रीम। देखिए हमने बनाया है सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये क्रीम इससे बन गया स्पैचुला से बहुत ही आसानी से। तो इसको साइड में रखते हैं, अब चलिए हम देखते हैं आटा हमारा हो गया 15 से 20 मिनट इसको करते हुए काम सब, अब ये तैयार हो गया। देखिए इसको स्मूथ करना है तो इसमें हम थोड़ा सा तेल ऊपर से डाल के हाथों से रगड़ते हुए इसे हम अच्छे से स्मूथ कर देंगे आटे को। तो इस तरह से देखिए हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया रिफाइंड ऑयल, इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए इसे स्मूथ सा डो तैयार कर देंगे। तो देखिए इस तरह से दबाते हुए एकदम स्मूथ कर लेते हैं हम अपने इस डो को, और देखिए हाथों से इस तरह से कर रहे हैं, एकदम चिकना सा हमारा डो बन जाना चाहिए। अब ये डो हमारा हो गया तैयार, तो अब चलिए हम इसको बेलते हैं। तो देखिए हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इसके लेयर बने हैं, किस तरह से हमने इसको तैयार किया है। आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो घर में ही आप खारे बिस्किट बना सकते हैं जीरे के फ्लेवर में, बहुत ही टेस्टी बनता है ये, आप चाय के साथ इसे एंजॉय करिए। इसे बना के इकट्ठा करके आप एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए और जब भी आप चाय पीजिए इसे इसको एंजॉय करिए। तो बटर के फ्लेवर में घर में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ये बनता है। ये देखिए इस तरह से इसको हमने बेल लिया है, तो इस तरह से बेल लेना, ये बहुत मोटा नहीं है, और जैसे हम रोटी बनाते हैं ना बिल्कुल उससे थोड़ी सी पतली करके इसको बेल लीजिए। अब इसको हम जो हमने मिक्सचर बना के तैयार किया है क्रीम बटर वाली, उसको अच्छे से इसे हमें हाथों से बिल्कुल इसका एक कोट लगा देना है, यानी जो रोटी बना रहे हैं इसका एक अच्छा सा कोट लगा देना है, अच्छे से बिल्कुल प्रॉपरली एक लेयर से बिछा देनी है इसकी बटर वाले क्रीम की। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल हम भर भर के इस तरह से पूरा एक लेयर लगा दे रहे हैं, आपको दिख रहा है कि लेयर कितना अच्छा सा लग रहा है। तो ये लेयर जो लगता है ना इसी से हमारा बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है हमारा खारी बिस्किट। अब ये देखिए किस तरह से इसको फोल्ड कर रहे हैं, इसे हम पॉकेट की तरह फोल्ड करेंगे, तो एक साइड इधर से फोल्ड कर रहे हैं, एक साइड इधर से फोल्ड कर रहे हैं। हमने आपको पफ पेटीज का जो डो बताया है बिल्कुल उसी तरह से बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा क्विकली बन जाता है, जल्दी बन जाता है। पफ पेटीज के डो में हमने कई बार लेयर आपको बताया था बनाने को, आप उसको हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमने पफ पेटीज का डो भी बनाना बताया है, बहुत ही आसानी से उसे आप बना के उसे पफ पेटीज बना सकते हैं। अगर आप वो डो बना लीजिए तो खारी बिस्किट भी आप उसी डो से बना सकते हैं। उसमें हमने मार्जरीन यूज़ किया है, मार्जरीन कैसे बनता है उसकी भी रेसिपी हमने अपलोड कर दी है, बहुत ही आसानी से मार्जरीन भी घर में आप बना सकते हैं। तो मार्जरीन है तो इस तरह से आपको बटर का क्रीम भी नहीं बनाना था पड़ेगा, मार्जरीन से बना सकते हैं, काफ़ी सस्ता पड़ता है और बहुत ईजी से घर में बन जाता है। अब ये देखिए हमने जो पॉकेट की तरह बना दिया है ना उसको हम फिर से ऐसे ही बेलेंगे, चौकोर साइज़ में बनाएंगे, और इस पॉकेट को हमें कम से कम 4 से 5 बार इस तरह से बनाना है, और इसी तरह से बटर लगाना है हमें बार बार, तो 4-5 बार ही कम से कम, आप 5 बार इसे ज़्यादा हो पाए तो आप 6 बार भी इसको कर सकते हैं। ये जितना ज़्यादा इसको बना लेंगे उतनी अच्छी लेयर बनेगी। फिर इसको हल्के हाथों से इस तरह बेलते हुए एक बार फिर से बनाइए, इसी को पॉकेट की तरह हमें बनाना है जब तक हमारा जो मिक्सचर है ना वो हमें पूरा यूज़ करना है। तो इस तरह से देखिए हम इसको फिर से चौकोर साइज़ में हमने इस बार बना दिया। अब इस तरह से बेल के इस फिर से वही बटर का जो हम लेयर रखे हैं उस वही लेयर बटर का हमें फिर से लगाना है प्रॉपरली अच्छे से। तो देखिए बेल गया है, अब वही लेयर हम फिर लगा देंगे, यही प्रोसेस हमें 4 से 5 बार करना है। ये देखिए ये बेल गया है, अब वो क्रीम हम फिर से लेते हैं और ये लगाते हैं, जितना क्रीम है पूरा इसको लगाएंगे। तो ये 4 बार में बने, 5 बार में बने, तो कम से कम 4 से 5 बार में ही हमारा पूरा क्रीम लग जाता है। तो ये देखिए हमने दूसरी बार भी लगा दिया, अब फिर इसी तरह से जैसे हमने पॉकेट बनाया था दोनों साइड से मोड़ते हुए, देखिए एक साइड से मोड़ेंगे फिर से ऐसे कर देंगे, आप इसको फिर से एक बार लगा दीजिए, इस तरह से मोड़ दीजिए, और फिर एक बार ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से करके इस तरह से बटर लगाते हुए, आप थोड़ा थोड़ा सा चाहिए तो मैदे की डस्टिंग भी करते जाइए साथ में बटर के ऊपर से। ये देखिए इस तरह से करके फिर से हम एक बार कर दे रहे हैं, ये देखिए ये 2 बार हमारा हो गया, अभी हम 3 बार इसको और भी ऐसे ही करेंगे।
के थोड़ा सा हल्का सा बेल के इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए इस तरह से इसको हम ढक के इस तरह लपेट के फ्रिज में रख देते हैं 10 मिनट के लिए। अब आपको 10 मिनट बाद दिखाते हैं कि कैसे हमें इसको बिस्किट बनानी है। ये थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन हम आपको पूरा हर स्टेप बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। अब ये देखिए हम 10 मिनट बाद आपको निकाल के दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल हमारा डो तैयार हो गया। अब बस थोड़ा सा इसे हमें बिस्किट के जैसा बनाना है तो थोड़ा सा हम चौड़ा कर देंगे इसे ही लंबे में रखते हुए बेलन से, हल्का सा बिस्किट के तरह लंबा लंबा जैसे हम बिस्किट बनानी है उतना बड़ा हम इसको ऐसे हल्का सा बेल दे रहे हैं। हल्के हाथों से बेलेंगे, दबा दबा के बिल्कुल नहीं बेलेंगे, इसके लेयर जो है इसके टूटने नहीं पाए। तो देखिए इस तरह से हमने बेल दिया। अब हम नाइफ लेके एक बिस्किट जैसे हम बनाते हैं ना लंबे लंबा, उसी तरह से रफली एक से कट कर दे रहे हैं। खारी बिस्किट आपने देखा होगा इसी तरह से लंबा लंबा बना होता है, तो इसी शेप में हम इसको कट कर दे रहे हैं, साइड का निकाल दे रहे हैं दोनों साइड से। अब इसे हम लंबा लंबा काट लेंगे। तो चौड़ाई में देखिए एक से डेढ़ सेंटीमीटर की चौड़ाई में हम इसको काट दे रहे हैं इस तरह से। अब इसके पहले हमने थाली तैयार करके रखा है, एक थाली ले लिया है, उसमें हमने सिल्वर फॉइल अच्छे से लगा दिया है, उसके ऊपर बटर ग्रीस कर दीजिए या फिर ऑयल ग्रीस करके आप रेडी करके रख दीजिए। ये हमने कट कर दिया है। कढ़ाई को भी आप जब ये कट करने लगी उसके पहले कढ़ाई रख दीजिए 10 मिनट के पहले प्री हीट हो जाए। तो अभी कढ़ाई में बनाना बता रहे हैं आपको। इस तरह से देखिए हमने सेट कर लिया, बटर लगा दिया है। अब इस पर हम ये सारी बिस्किट सेट कर देंगे। तो देखिए हमने एक बाउल से बनाया था इसलिए इतना क्वांटिटी में बना है, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, रिफाइंड ऑयल भी बढ़ा दीजिएगा, सॉल्ट और हमने जो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाला है वो आप उतना ही रखिए, उससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 स्पून बेकिंग सोडा कर दीजिएगा, 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर, बस इससे ज़्यादा उसकी क्वान्टिटी नहीं बढ़ानी है। अब ये देखिए हमने इसको रख दिया। अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं, हम कढ़ाई पहले से प्री हीट की है। इसके पहले हमने जीरे को पीस लिया था भून के, उसको ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना दिया था जिससे इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। ये देखिए उस पाउडर को हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दे रहे हैं। ये बनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आता है, इसका फ्लेवर भी खाने पर बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस तरह से हमने वो जीरा को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर दिया और जीरे का पाउडर इस तरह से डाल दिया है। अब देखिए कढ़ाई हमारी प्री हीट हो गई, हमने 10 मिनट पहले ही रख दिया था। तो सॉल्ट बिछा के एक स्टैंड लगा दिया इस तरह से, केक कटिंग का जो नीचे वाला ढक्कन आता है ना उसको लगा के, और फिर हम इसको थाली को इस पर सेट कर दिए हैं। तो संभाल के रखिए, कढ़ाई बहुत गर्म होती है। अब ये देखिए जिसमें लीड लगा हुआ था ये इसमें होल होता है, तो ओवन की तरह इसको बनाने के लिए इसमें एक कागज़ लगा दिए हैं। अभी आप देखेंगे इसको हम 30 मिनट के बाद ही खोल के देखे हैं, 30 मिनट से पहले बीच में मत खोलिएगा। इस तरह से आप 30 मिनट बाद चेक करेंगे तो आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा सा आ गया है, ऊपर भी आप देख रहे हैं। अब इसे टर्न करके हम देख रहे हैं नीचे से इस क्या कंडीशन है। तो देखिए नीचे से भी ये कुक हो गया है, तो अब हम इसको थोड़ा सा टर्न कर देंगे जिससे अपोजिट जो साइड होता है ऊपर वाली साइड भी पक जाए। उसके पहले देखिए जो दूध हमारा बचा था ना, इसीलिए इतना दूध बच गया है, इसको यूज़ करने को हम आपको बताए थे। तो ब्रश ले लीजिए, ऊपर से इस तरह से दूध से पॉलिश
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।